गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमन, योर इंग्लिश टीचर. टूडे वी विल रिवाइज एक्सरसाइज 4th. इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले है सब्जेक्ट, देन है डू डज, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज करना है डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज करेंगे डू. देन यूज करेंगे नॉट. नेगेटिव में क्या यूज करना है? नॉट. डू डज के बाद हमेशा नॉट को यूज करेंगे. देन यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस के यूज करना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप. आज आपको मैं डू डज का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू वर्ब दोनों वे से बताऊंगी. आपको ध्यान से सुनना है. लिसन टू मी केयरफुली. ही नोज इट नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यूज करना है डज. ही डज, देन यूज करना है नॉट. ही डजंट फर्स्ट फॉर्म, यहां आप यूज करेंगे नो विदाउट एस और ई एस के. तो यहां नोज में एस है तो आपको यहां यूज नहीं करना. नो लिखेंगे, देन राइट करेंगे ऑब्जेक्ट इट. ही डजंट नो इट. यहां आपने डज को यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब. यदि आपके वर्ब के साथ एस और ई एस है, यदि वर्ब के साथ एस और ई एस है तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट के साथ डज. और यदि आपके वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं है तो आपको सब्जेक्ट के साथ यूज करना है डू. क्या यूज करेंगे? डू. ही टेल्स द ट्रूथ. टेल्स में एस है तो आपको क्या यूज करना है सब्जेक्ट के साथ? डज. ही डज, देन यूज करेंगे नॉट. ही डजंट, देन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विदाउट एस ई एस, तो आपने लिखा टेल. देन ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ. ही डजंट टेल द ट्रूथ फुल स्टॉप. यू टाइप फास्ट. टाइप फर्स्ट फॉर्म है, एस और ई एस नहीं है तो आप क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ? डू. यू डू, देन यूज करेंगे नॉट. यू डोंट, देन यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म टाइप और लास्ट में है ऑब्जेक्ट. यू डोंट टाइप फास्ट फुल स्टॉप. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. टुमोरो वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, थैंक यू.